किनिबिया के डारी मैया लावेली झुलुआवा हो कि झूली रे झूली ना। हरे निम्बिया के डार मैया लावेली झुलुआवा हो कि झूली रे झूली ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। दिल्ली में पूर्वांचल मोर्चा द्वारा मनाया गया 23वां विशाल माँ सरस्वती पूजा तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम। वीरवार को बसंत पंचमी उत्सव को लेकर राजधानी दिल्ली में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए। उस दिन माता सरस्वती का वंदन मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चन भी किया गया। इसी कड़ी में त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र के लॉरेंस रोड में पूर्वांचल न्याय मोर्चा दिल्ली प्रदेश द्वारा 23वां विशाल माँ सरस्वती पूजन उत्सव तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में दिल्ली सरकार के ओबीसी आयोग के चेयरमैन जगदीश यादव, दिल्ली के पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर, तमिल एकेडमी के वाइस चेयरमैन एन राजा, पूर्व पार्षद अशोक गंगवाल सहित क्षेत्र के अनेक गणमान्य लोगों ने शामिल होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। आर के जायसवाल के साथ मैं अभी मौजूद हूँ। त्रिनगर विधानसभा का क्षेत्र है, लॉरेंस रोड क्षेत्र है। यहाँ पे पूर्वांचल के लोग बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं और अपना संस्कृति सभ्यता हर तरीके से लोग सेलिब्रेट करते हैं और सरस्वती पूजन का आयोजन किया गया है। कहाँ कहाँ के लोग आते हैं आपके सरस्वती पूजा समारोह? देखिए, इस क्षेत्र के जो हमारे क्षेत्र है त्रिनगर विधानसभा, शेखपुर गांव, एम ब्लॉक, एफ ब्लॉक, रामपुरा, त्रिनगर, लॉरेंस इंडस्ट्रियल एरिया, इन 86 वाल्मीकि कैंप के लोग, पूर्वांचल से जुड़े हुए समाज के हर क्षेत्र के लोग, पूर्वांचल के तो लोग आते आते हैं, जो गैर पूर्वांचल साथी हैं वो बढ़ चढ़ कर हमारे हर कार्यक्रम में भाग लेते हैं। राय साहब जी, अगर हम बात करें तो कब से आप ये पूर्वांचलियों का मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं? हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया है। 1995 से हमने पूर्वांचल नाम मोर्चा गठन किया है। गठन के साथ से ही हमारे जो साथी सिकंदर अली साहब हैं, राहुल जी हैं, मिश्रा जी हैं, गोपाल साथी रहे, हमारे ब्रजेश यादव जी हैं, मिथिलेश कुमार जी हैं, हमारे अंकिता वर्मा सहित तमाम साथी तब से लगे हुए हैं। इस बीच हम लोग पूर्वांचल के लोगों, गरीबों, मजदूरों, शोषितों, पीड़ितों की लड़ाई को, उनके हक की लड़ाई को बराबर संघर्ष करते रहते हैं। चाहे हमें रोड पर धरना देना पड़े, लड़ाई लड़नी पड़े, उससे कभी पीछे नहीं हटते। हर कार्यक्रम जो पूर्वांचल से संबंधित होता है, जैसे छठ पूजा विगत 7 वर्षों से यहाँ पर हो रही है और ये सरस्वती पूजा आपके बीच जो सम्पन्न हो रही है, आदरणीय जायसवाल साहब, ये 23 साल से चल रही है। आपको जानने खुशी है, ये 23 साल से 23वां संपन्न हुआ है। हाँ, किस तरीके का आयोजन किया गया यहाँ पर? मैं संस्था का प्रमुख महासचिव डॉक्टर सिकंदर अली। हम लोग 1995 से और आज तक 2023 तक, चाहे छठ का पर्व हो, चाहे सरस्वती पूजा हो, या गरीबों मजदूरों की सेवा हो, हम लोग तन मन धन से करते हैं और पूर्वांचल के मनों को बढ़ाते हैं। और यही नहीं, मैं मुस्लिम समुदाय का हो करके, चाहे छठ पूजा में पानी में क्यों न खड़ा रहना पड़े या मूर्ति को लाना न क्यों पड़े, मैं भारत को और भारतवासियों को संदेश देना चाहते हैं, यह गंगा जमुनी की तहजीब हमेशा रहनी चाहिए। इसके बीच में कोई बाधा उत्पन्न करे उसको निग्लेक्ट कर देना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय पूर्वांचल। किन किन को बुलाया गया था यहाँ पे इस समारोह में? सर, इस समारोह में सभी को बुलाए हैं। हमारी पूजा तिवारी आई है और हमारे सोनी भाई साहब आए और विधायक जी आए हैं और हमारे ओबीसी के चेयरमैन जगदीश यादव जी अभी कुछ ही पल में आने ही वाले हैं। सोनी भाई, रमेश, कौन कौन से गाना सुना रही हैं यहाँ पे भक्तों को? गुनगुना दीजिए। पहली बात, यहाँ के जो भक्त लोग हैं बड़े अच्छे हैं, जिनका कोई जवाब नहीं और हिसाब नहीं। और यहाँ पे जितने भी जो कार्यकर्ता हैं, जैसे कि अभी इन्होंने बोला सिकंदर अली जी ने कि मुसलमान हो के मतलब मैंने मुझे पानी में जाना है, मूर्ति को उठाना है, तो कहावत है कि ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, करे जो बुरे काम वो इंसान बुरा है। तो मुझे इनकी बातों से मैं सहमत हूँ और मैं यहाँ पे आके मुझे बहुत प्यार मिला, सम्मान मिला और भक्तों का आशीर्वाद बहुत इंजॉय करते हुए मैंने आज गाया है। आज क्या हमेशा गाया, लेकिन ऐसी पब्लिक जब होती है तो गाने का कुछ मज़ा ही अलग है। तो मैं रमेश सोनी जी के माध्यम से यहाँ पे आई हूँ और बहुत अच्छा लगा। और जितने भी यहाँ पे मान्यवर, जितने भी हमारे कार्यकर्ता हुए, तो सबसे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो यही कहना चाहूँगी कि हर साल माता रानी का
ऐसे ही भव्य कीर्तन जागरण होता रहे और आशा रहेगी। तो कलाकार बहुत हैं, लेकिन जो अदाएं आंखों को अच्छी लगती है उन्हीं को इंसान बुलाता है। तो मेरे में कुछ खासियत होगी तभी इन्होंने मुझे याद करा, उसके लिए जय सरस्वती मैया जय। क्या नाम है आपका? जी रमेश कुमार सोनी। थोड़ा गुनगुना के बता दीजिए। सबसे पहले मैं आपके जनमत के पुकार जो आपका न्यूज़ चैनल है उसके सभी दर्शक को हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। और लॉरेंस रोड के यहाँ पे जितने भी दर्शक हैं, पब्लिक है, बहुत प्यार आशीर्वाद शुरू से मिलता रहा है। डॉक्टर राधे श्याम जी हो गए, मिश्रा जी हो गए और तमाम साथी हैं, सबका बहुत प्यार आशीर्वाद मिलता है शुरू से। तो कभी कभी टाइम व्यस्तता होने के कारण हम नहीं आ पाते हैं, डॉक्टर साहब इसके लिए नाराज भी होते हैं कभी कभी, तो आ नहीं पाते हैं। कि निबिया के डारी मैया लावेली झूलुआ हो कि झूली रे झूली ना, हरे निबिया के डारी मैया लावेली झूलुआ हो कि झूली रे झूली ना, हा मैया मोरी गावेली गीतिया हो कि झूली रे झूली ना, मैया मोरी गावेली गीतिया हो कि झूली रे झूली ना। हमारे साथी तमाम कलाकार, पूजा तिवारी जी बचपन के समझिए एक साथी, हम लोग एक साथ सीखे, हालांकि मेरे से छोटी है तो बच्चे की तरह मानता हूँ, और बहुत ही अच्छा हमारा टीम जो सब लोग सपोर्ट करते हैं, इसके वजह से हम आज आप सभी के बीच में हैं। कैसा लगा यहाँ पर आकर और क्या क्या बातें हुई लोगों से? मैं आज जब इस कार्यक्रम में आया हूँ, सुबह 8:30 बजे मैंने कार्यक्रम स्टार्ट किए थे, अभी अंतिम पड़ाव की तरफ जा रहा हूँ, एक इसके बाद और कार्यक्रम है। जो स्नेह, जो प्यार और जो माँ सरस्वती की भक्ति में जो उनमें आस्था, यहाँ आकर पूर्वांचल न्याय मोर्चा के इस तत्वधान में जो कार्यक्रम है जो देखने के मिली, ये पूरी टीम बधाई की पात्र है। मैं माँ सरस्वती से यही प्रार्थना करूँगा, इन परिवारों को वो ताकत दे, वो हिम्मत दे कि इनके जीवन में हमेशा इनके कदम प्रगति और उन्नति की तरफ बढ़ते रहें, ये मेरी माँ सरस्वती से प्रार्थना है। मैं आज रिपब्लिक डे पे इन सभी परिवारों को, जो आज संविधान हमारा लागू हुआ था, यही कहूँगा कि संविधान का पालन करें और इस देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए मजबूती से इस देश को आगे बढ़ाएं। मेयर चुनाव को लेकर जिस तरीके से नाटकीय क्रम बना हुआ है, कैसे देख रहे हैं सर? ये जनता बताएगी ना, कि जनता ने हमें पूरे विश्वास के साथ हमें एक बहुमत दिया और आज लोकतंत्र का किस तरह से मजाक हो रहा है ये जनता देख रही है और जनता इसका बदला लेगी। तो मिलते हैं किसी और खबरों के साथ, नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ, नमस्कार।